आए अब बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्योंकि मेन इश्यू इसमें है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट इसमें नंबर्स कौन कितने आएंगे उसके बारे में इसकी कंपोजिशन रिम्यूनोरेशन ऑफ डायरेक्टर्स अकाउंटेबिलिटी ऑडिट रिलेशन विद शेयर होल्डर्स एंड लिस्टेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई और एक्सप्लेन विद द प्रोविजन ऑफ कोर्ड

हाथ नहीं बिताएंगे बल्कि वो बाहर से बैठ कर देख रहे होंगे और वो आपको मीटिंग में आकर सर्व करेंगे या फिर वन थर्ड हो अगर ज़्यादा है, फिर के दस बारह हैं तो उसमें वन थर्ड कम अज़ कम इंडिपेंडेंट होने चाहिए विच इज़ एवर हायर अच्छा एग्जीक्यूटिव में भी डायरेक्टर तीन इंक्लूडिंग सी ई ये वो है जो बिजनेस में काम कर रहे हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फिर नॉन एग्जीटिव डायरेक्टर थी हमने सात पूरे करने हैं या आठ हो जाते हैं कोई बात नहीं तो कम से कम सात तो लाजमी हैं लिस्टेड कंपनी के सात डायरेक्टर्स का होना तो ज़रूरी है इससे ज़्यादा भी हो सकता है और जो लेटेस्ट उन्होंने अमेंडमेंट किया है वो ये है कि इन सातों में कम से कम एक फीमेल डायरेक्टर्स भी यानी फीमेल डायरेक्टर्स भी एक आना हो यानी उसकी भी ज़रूरत थी क्योंकि आजकल देखें सब जगह पर मेल और फीमेल काम कर रहे हैं और इवन इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये मेल और फीमेल में दे हैव सेड के क्लियरली कि वन शुड बी अ फीमेल मेम्बर एक और है नॉमिनी डायरेक्टर ये क्या है ये उसमें तो नहीं है आपके कोड में नहीं है लेकिन ये है प्रैक्टिकली है देखिए अगर आपने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है किसी इन्वेस्टर से किसी भी बैंक से कह लें किसी मुदारबा से कह लें किसी से भी तो वो कहता है कि मेरा जो इंटरेस्ट है कोई तो वॉच करे तो वो ये कंडीशन लगा देता है लोन के वक़्त कि जी आप हमारा एक नॉमिनी डायरेक्टर बिठाएंगे अब जब भी कंपनी को मीटिंग होगी डायरेक्टर्स की उसमें ये नॉमिनी डायरेक्टर भी प्रेजेंट होता है और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टेक केयर करे अपनी कंपनी का इंटरेस्ट और मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि लोग आते हैं नॉमिनी डायरेक्टर्स और सम आर वेरी गुड दे कंट्रीब्यूट और दे टेक केयर ऑफ देयर कंपनीज इंटरेस्ट और कुछ इसलिए आते हैं कि एक तो फीस मिलती है हर मेंबर को जब वो मीटिंग में आता है और फिर कुछ वो गिफ्ट्स वगैरह भी दे देते विच इज़ रॉन्ग टोटली रॉन्ग तो उनका इंटरेस्ट जो है उसका है कि उनको अपनी कंपनी का इंटरेस्ट वॉच करना है कोई ऐसा डिसीजन तो नहीं लिया जा रहा जो उनकी कंपनी के अगेंस्ट चला जाए बहुत डिटेल में नहीं जा रहा ब्रीफ कर रहा हूं सर इफेक्टिव बोर्ड क्या है द बोर्ड शुड अंडरटेक अ फॉर्मल एंड रिगरस एनअल इवेलुएशन ऑफ इट्स ओन परफॉर्मेंस एंड दैट इट्स कम्यूनिटीज एंड इंडिविजुअल डायरेक्ट मस्ट है वो फॉर्मल और रिगरस जो डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं वो आगे आएगा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको देखें कि हाउ दे परफॉर्म क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी देखा जाए और कंपनी ओवरऑल क्योंकि परफॉर्मेंस देखा जाए फिर जो कमिटीज़ आपने बनाई हैं कंपनी को रन करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस को भी देखा है उनको रेगुलर मीटिंग करनी चाहिए और देखना चाहिए कि हाउ दिस कंपनी दिस कमिटीज़ आर परफॉर्मिंग अब इसमें देखें चीफ एग्जैक्यूटिव सी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सी चीफ़ आई ऑफिसर एंड दे आर रिस्पांसिबल टू रन ऑपरेशन ऑफ द कंपनी एंड एग्जीक्यूट दी पॉलिसी फ्रेम बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थ्रू द फ्रेम वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें नोट कर लें कि डायरेक्टर्स जो हैं वो पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठ कर ये पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं लेकिन जो उसकी एग्जीक्यूशन है उसके ज़िम्मा ये सी ई ओ के जिम्मा है और उसके नीचे जो स्टाफ है उनके ज़िम्ह और उस स्टाफ में भी देखे जाए कई लेवल्स हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने बाकी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि चीफ एग्जीटिव जो है उनसे वो काम करवा ले जिसके लिए उनको रखा गया है या जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव हो जाए अब देखिए इसमें इफेक्टिव बोर्ड में चेयरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीडरशिप ऑफ द बोर्ड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि देखिए चेयरमैन जो है ना वो लीडर है और लीडर को लोग फॉलो करते हैं अगर वो टेक केयर नहीं कर रहा है वो अगर कंपनी की गाड़ी बच्चों को स्कूल छोड़ने में जा रहा है तो बाकी लोग तो देख के कहेंगे अगर ये कर रहा है तो हम क्यों नहीं करें? तो लीडरशिप जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अगर वो सुबह लेकर से द, दस बजे आता है दफ्तर का टाइम नौ बजे है तो लोग फॉलो करेंगे ये खुद तो दस बजे आता है तो मैं क्यों जल्दी में जाऊँ मैं भी दस बजे पौने दस बजे जगह जाऊँ ऐसे है प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ कि अगर टॉप मैन जो है टाइम पर नहीं आ रहा तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके नीचे जो लोग काम करने वाले हैं वो भी टाइमली आ सकते तो देट इज़ द इम्पोर्टेंट लीडरशिप अ क्लियर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन रनिंग द बोर्ड द रोल ऑफ द चेयरमैन चेयरमैन का रोल है कि बोर्ड को चलाए यानी बोर्ड जो है जिसमें मुस्तुफ डायरेक्टर्स आकर बैठते हैं उनको खींचे उनको देखें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे बहुत ज़रूरी है द रोल ऑफ चेयरमैन

सी एफ ओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग दम यानी कंपनी की रनिंग में यानी बेसिकली चेयरमैन जो है ना वो ओवर सी कर रहा होता है सारी एक्टिविटीज को थ्रू दी डायरेक्टर और उन डायरेक्टर्स में खासतौर पर जो सी ई ओ है ये रिस्पॉन्सिबल है टू रन द कंपनी उसके साथ अटैचड हैं जिसको हम कंट्रोलर्स भी कहते हैं लेकिन तीन चार बंदे बहुत ज़रूरी हैं किसी भी कंपनी का सेक्रट्री होता है कंपनी का सेक्रटरी बहुत जरूरी है यानी लाजमी है रखना इसी तरह आपका एक चीफ़ अकाउंटेंट होना ज़रूरी है ये भी लाजमी है होना और ये क्वालिफाइड लोग होते हैं तैयार रखें अब तो गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनको बकायदा से एक डायरेक्टर डायरेक्टरशिप का एक कोर्स करना पड़े एक डिप्लोमा करना पड़े ओनली देन यू बिकम ए डायरेक्टर अदरवाइज़ यू कैन नॉट बी ए डायरेक्टर तो यो ट्रेनिंग जो है डायरेक्टर्स की वो बहुत ज़रूरी है और ये हो रही है मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशनस करवा रहे हैं और ये रेगुलरली बेसिस पर हो रही और अब लोग इन ट्रेनिंग में जाते हैं इसलिए कि दे गॉट द सर्टिफिकेट ऑफ डायरेक्टरशिप दे कैन बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी अब इसमें ये नहीं है कि वो सर्टिफिकेट कर लिया तो वो डायरेक्टर हर चीज़ें नहीं नहीं उनका कोर कोर डिसिप्लिन अलग होगा लेकिन एज ए डायरेक्टर आपको कैसे परफॉर्म करना है ये एक अलग से चीज़ है लेकिन मैं अगर अकाउंटेंट हूँ फॉर पर, पर तो मुझे अकाउंटिंग का तो पता है लेकिन मुझे मैनेजमेंट का भी तो पता होना चाहिए मुझे मार्केटिंग का भी तो पता होना चाहिए तो उस ट्रेनिंग में हम डायरेक्टर्स को हर तरह की जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करते हैं और उनका बाकायदा एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है टूवर्ट्स दी एंड और अब सिर्फ और सिर्फ जो सर्टिफिकेट होल्डर हैं वही डायरेक्टर्स बन सकते हैं और किसी को डायरेक्टर नहीं रखा जा सकता बल्कि अब तो एक डाटा बैंक बना दिया है कि अगर आपको कोई डायरेक्टर चाहिए तो आप उनके साथ उनको अप्रोच करेंगे एंड द चार्ज फॉर इट और वो फिर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको डायरेक्टर प्रपोज करेंगे आप उसका इंटरव्यू लें और उसको अपॉइंट करें तो ये है असल में इफेक्टिव बोर्ड की बात कि जिसमें सब जो मेंबर्स hmm. हैं वो क्वालिफाइड हों और ट्रेंड हों ताकि उनको पता चले कि बिज़नेस को कैसे रन करना है थैंक यू वेरी मच